यार ये बिल्कुल गलत बात है। मैं कितनी बार से कह कह के थक गया हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाली घंटी बजाएं, लेकिन आप बजाते ही नहीं हैं, वीडियो आप पूरी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरी कहने का बात माने, प्लीज़ 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 आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लेकिन चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस आराम से मिलती रहें और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, अपने पुराने लेक्चर को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे रिजोनेंस के बारे में, और रिजोनेंस क्या होता है उसके बाद हम लोग इसके टाइप के बारे में भी जानेंगे, जिसमें मैकेनिकल रिजोनेंस है, साउंड रिजोनेंस है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिजोनेंस है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रिजोनेंस होता क्या है। तो फ्रेंड्स, वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से खत्म किया था। तो हम लोगों ने एक सोनोमीटर का एग्जांपल लिया हुआ था। तो फ्रेंड्स, सोनोमीटर का बॉक्स यहां पर दोबारा बना लेते हैं। ये मान लिया कि हमने सोनोमीटर ऐसे बना लिया है, हालांकि ऐसे सीधा होगा। सोनोमीटर के ऊपर दो ब्रिजेस ऐसे होते थे, एक ब्रिज ये हो गया, दूसरा ये हो गया है। यहां से ऐसे वायर आता था, आगे पुली होती थी, फिर यहां पर वेट लटके होते थे, वेट आधे किलो के, एक किलो के, कुछ नहीं के भी हो सकते थे। फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग करते क्या थे, ट्यूनिंग फॉर्क लेते थे, उसको ऐसे पैड पे मार करके लाके यहाँ पे ऐसे रख लेते थे, और जब रखते थे तो फ्रेंड्स ये ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये धीरे धीरे ऑसिलेट करता है, तो ये थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों को। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है कि एक छोटा सा कागज का ऐसे टुकड़ा फाड़ लेते हैं, टुकड़ा फाड़ के उसको ऐसे मोड़ दिया, तो उसको ला करके हम इसके ऊपर ऐसे रख सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि राइडर है ये। अब फ्रेंड्स देखिए, राइडर रखने के बाद हम लोग क्या करें, हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क को पैड के ऊपर मार करके लाके इसके ऊपर रख देते हैं, तो फोर्स ऑसिलेशन की वजह से ये जो वायर है ये धीरे धीरे ऑसिलेट करने लगेगा, और जैसे ही ऑसिलेट करेगा तो राइडर जो है वो फड़फड़ाने लगेगा, यानी वो ऐसे खड़खड़ करेगा मजे में। तो वहां से हम लोग पहचान जाएंगे कि यहाँ पे फोर्स ऑसिलेशन की प्रोसेस हो रही है, कि ये बॉडी इसकी वजह से क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। लेकिन फ्रेंड्स, इसी में एक खास बात आगे आप देखिएगा, फोर्स ऑसिलेशन तो हो रहा है, ये हमारा राइडर जो है फड़फड़ा भी रहा है, लेकिन जब इस ब्रिज की पोजीशन को हम लोग चेंज करते हैं, कि मान लिया इसको आगे बढ़ाया या पीछे बढ़ाया, तो एक ऐसी कंडीशन भी आती है जब ये फड़फड़ाना जो है वो तेज होने लगता है, और एक स्पेशल पोजीशन में ये वाइब्रेशन इतना ज्यादा तेज हो जाता है कि ये राइडर यहां से उछल करके बाहर जाके गिरता है। तो फ्रेंड्स, उसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि ये कौन सी प्रोसेस है, ये रिजोनेंस की प्रोसेस है। रिजोनेंस की प्रोसेस क्या होती है, अब थोड़ा सा समझते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई बॉडी पहले से ऑसिलेट कर रही है और उसके ऊपर ला करके हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, और एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तो वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का, पहले मान लीजिए ऐसे वाइब्रेशन हो रहा था, फिर ये अचानक से बढ़ जाता है, और इसी एम्पलीट्यूड के अचानक से बढ़ने के फिनोमिना को कहते हैं कि ये क्या है, ये रिजोनेंस है। और ये हर जगह देखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि वही पिछला टॉपिक हमने ये बताया था कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स भी है तो वो भी अपनी पोजीशन पर धीरे धीरे वाइब्रेट करते रहते हैं, तो वाइब्रेशन तो हर बॉडी कर रही है, खाली हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, और अगर एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है तो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड अचानक से बढ़ जाता है, और इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं कि यह क्या हो गया है, ये रिजोनेंस हो गया है। अब फ्रेंड्स, रिजोनेंस जो है वो तीन टाइप के होते हैं। पहला है हमारा मैकेनिकल रिजोनेंस, फिर है साउंड रिजोनेंस, और फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिजोनेंस। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं कि मैकेनिकल रिजोनेंस क्या होता है। तो देखिए,
एक एग्जाम्पल के तौर पर शुरू करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेना के जवान हैं, ठीक है, वो लेफ्ट राइट लेफ्ट बिल्कुल मजे में हर जगह मान लो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो अगर किसी पुल के ऊपर चढ़ते हैं तो लेफ्ट राइट लेफ्ट यानी कदम ताल मिला के उनका चलना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, मान लीजिए ब्रिज है, तो ब्रिज के मॉलिक्यूल्स भी क्या कर रहे हैं? अपनी जगह पर बहुत ही धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं। और अगर सेना के जवान जब इसके ऊपर से निकलेंगे, अब मान लीजिए वो भी ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट करने लगे, तो एक साथ जब पैर वो मारेंगे तो अगर उनके फोर्स की फ्रीक्वेंसी, ये जो पुल के मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन है, उनकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया, तो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, पुल अचानक से तेजी से हिलने लगेगा, और एक ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि पुल शायद टूट जाए। तो इससे बचने के लिए जो सेना के जवान हैं, वो कभी भी पुल के ऊपर कदम ताल मिला करके नहीं चलते हैं। और इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं कि ये कौन सा रिजोनेंस है? ये मैकेनिकल रिजोनेंस है। इसका एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि जो भी अभी आगे चल के रेलवे में लोको पायलट बनेंगे या जो भी ट्रेन चलाएंगे मजे में, तो उनको एक ट्रेनिंग के समय पर सलाह दी जाएगी। सलाह ये दी जाएगी कि जब भी आप कभी पुल को पार करें तो अपने ट्रेन की वेलोसिटी को आप रेगुलरली चेंज करते रहें। अब देखिए, चेंज करने का मतलब यह है कि कभी आप स्पीड को बढ़ा दें, कभी आप स्पीड को कम कर दें। ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लीजिए ब्रिज के ऊपर से जब ट्रेन निकल रही है तो ट्रेन के ऊपर भी तो आदमी बैठे हुए हैं, उन सब का वेट है, जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है। अगर उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी ब्रिज के मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है तो वहां पर ब्रिज भी टूट सकता है। तो इससे बचने के लिए मान लीजिए अगर कभी फ्रीक्वेंसी बराबर हुई भी, पुल थोड़ा तेजी से हिला, तो वेलोसिटी चेंज फोर्स चेंज हो गया, तो उस कंडीशन में हमारा ब्रिज बच जाएगा। तो ये हमारे फ्रेंड्स मैकेनिकल रेजोनेंस के एग्जांपल हैं। अब आते हैं साउंड रेजोनेंस पे। साउंड रेजोनेंस के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि मान लो घर में कोई फंक्शन है मजे में, उसके बाद क्या हुआ कि दो चार पैग, मान लो कहना नहीं चाहिए, मान लो कि हमारे घर में हम दो चार पैग लगा लिए, फिर धीरे से उसके बाद क्या हुआ कि हमने कहा कि अब साउंड हम सबसे तेज बजाएंगे। अब कांच के शीशे लगे हुए हैं अगल बगल, अब हमने क्या किया कि साउंड का वॉल्यूम बढ़ाना शुरू किया। अब मान लीजिए कि जो ग्लास है यानी कांच, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 2000 हर्ट्ज है, यानी वो एक सेकंड में अपनी पोजीशन पे 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं। इधर हमने साउंड का वॉल्यूम बढ़ाया, अब साउंड का वॉल्यूम मान लीजिए पहले 200 हर्ट्ज हुआ, फिर 400 हर्ट्ज हुआ, फिर 600 हर्ट्ज हुआ, फिर 800 हर्ट्ज हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर 1200 हुआ, 1400 हुआ, 1700 हुआ। अब देखिए 1700-1800 जैसे होगा तो उनके वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा फोर्स ऑसिलेशन की वजह से यहां पर। लेकिन जैसे ही वो 1800-1900 और जहां वो 2000 हर्ट्ज हुआ, तो देखिए हमारे ग्लास के मॉलिक्यूल भी 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे थे, हमने इधर से अपने साउंड की फ्रीक्वेंसी भी 2000 हर्ट्ज कर दी, तो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, रिजोनेंस की प्रोसेस होगी, तो जो हमारे ग्लास के मॉलिक्यूल ऐसे धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे होंगे वो तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे, और उस कंडीशन में कांच जो है वो चिटक जाएगा या टूट जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के रिजोनेंस को हम लोग कहते हैं कि ये कौन सा रिजोनेंस है? ये साउंड रिजोनेंस है। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिजोनेंस पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिजोनेंस क्या होता है? अच्छा, एफएम तो सभी लोगों ने सुना होगा। एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसके बारे में कभी वीडियो बनाएंगे तो डालेंगे। अब मान लीजिए कोई हम लोग एफएम के चैनल को ले लेते हैं, मान लिया हमने ले लिया 100.7 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, तो ये जो फ्रेंड्स 100.7 मेगाहर्ट्ज है या 98.3 मेगाहर्ट्ज है, तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है ये अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये रिजोनेंस फ्रीक्वेंसीज है, यानी इन फ्रीक्वेंसीज पर रिजोनेंस की प्रोसेस होगी। अब देखिए होता क्या है, हमारा जो एफएम ट्यूनर होता है वो जनरली एक एलसी सर्किट होता है। एल का मतलब होता है
क्वाइल और सी का मतलब होता है कैपेसिटर। इसमें से कोई एक होता है वेरिएबल, ठीक है, जिसकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कैपेसिटर की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में एलसी सर्किट में एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू 1/2 pi√LC। हम लोग क्या करते हैं, एल ओ सी की वैल्यू को चेंज करते हैं, और चेंज करने पर अगर ये कैलकुलेशन करने के बाद 100.7 मेगाहर्ट्ज आता है, तो 100.7 मेगाहर्ट्ज की जो वेव्स हमारे पास फैली हुई है ये उनको कैच कर लेता है, और वहां पे जो भी नौटंकी चल रही होती है वो हमको सुनाई देना शुरू हो जाती है। जब हम इसको चेंज करते हैं तो मान लो कैलकुलेशन करने के बाद 98.3 आ गया, तो 98.3 मेगाहर्ट्ज वाली वेव को ये कैच कर लेंगे, तो वहां की जो भी नौटंकी वहां चल रही होगी वो हमको सुनाई देने लगेगा। तो फ्रेंड्स ये एग्जांपल हो गया हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस का। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको रिजोनेंस वाला ये जो टॉपिक है ये अच्छी तरीके से समझ में आया है, और जो स्टार्टिंग में बोला था उसको ध्यान रखिए। प्लीज यार लाइक कर लो वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आगे हम आपसे ऐसे ही रूबरू होते रहें। तब तक के लिए जल्दी ही मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।